अब मेरे साथ में देखिए उत्पत्ति अध्याय 22 में और चलिए वचन 14 से आगे पढ़ते हैं अब्राहम ने उस स्थान का नाम परमेश्वर उपाय करेगा याद है परमेश्वर ने उसे अपने बेटे को मारने से रोका और झाड़ी में फंसा हुआ मेढा दिखाया वो उस मेढे को लेकर मारता है और उस वेदी पर उस मेढे का बलिदान चढ़ाता है और उस जगह का नाम रखता है यहुआ यीरे यहाँ पर ये वचन है अब्राहम ने स्थान का नाम यहुआ उपाय करेगा रखा इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहुआ के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा यही यहुआ यीरे शब्द का अर्थ है फिर दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा पहली बार उसने स्वर्ग से पुकारा कि अपने बेटे का बलिदान मत कर अब दूसरी बार वो स्वर्ग से पुकारता है कहा यह की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अग्नित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है दो बार उसने यहां पर बताया है आशीष का कारण क्या है आशीष का कारण क्या है उसने कहा क्योंकि तूने ये काम किया है वचन अठारह में कहता है क्योंकि तूने मेरी बात मानी है क्योंकि तू तो तैयार था कि अपने बेटे का बलिदान चढ़ाए जिसमें तेरा पूरा भविष्य बसा हुआ था तेरा पूरा जीवन तुम मुझे सब कुछ देने को तैयार थे तुम समर्पित व्यक्ति हो वाचा में तुम मेरे साथ इस तरह से समर्पित हो मैं तुमसे कहता हूं अब्राहम मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की हो और मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को बढ़ाऊंगा कहने का कितना अच्छा तरीका ये तो सामान्य रूप में कहते हैं आशीष दूंगा लेकिन कहता आशीष में आशीष दूंगा बहुगुणित करते हुए तुम्हें और बहुगुणित करूंगा जानते हैं हिंदी में इस तरह कहते हैं आशीष देते हुए तुझे आशीष दूंगा बढ़ाते हुए तुझे बढ़ाऊंगा तुझे और महान करूंगा ये इस बात पर जोर देना है कि मैं निश्चय इसे करूंगा मैं निश्चय इसे करूंगा ये दोबारा जोर देना है ठीक है और फिर तेरा वंश आकाश के तारांगण जैसे होगा समुद्र के बालू के किनको जैसे अगणित होगा अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा इसका मतलब तेरा वंश सामर्थ्य और विजय पाएगा अपने सभी शत्रु पर उन सब पर जो संसार में उनके विरुद्ध में आते हैं वो पूरी तरह से विजयी और जयवंत होंगे आप आशीष पाएंगे बहुगुणित होंगे और तुम सामर्थ्य और विजय पाओगे अपने सारे शत्रुओं के ऊपर मैं ऐसे कहा अब इब्रानियों का लेखक ये वचन भाग जानता था जैसे कहा वो तो बहुत ही माहिर व्यक्ति था पुराने नियम का वो ये वचन जानता था और उसने इसका अध्ययन किया इस पर मनन किया इस पर सोचा इसके लिए प्रार्थना की अब उसके पास संदेश था उन लोगों के लिए पहली सदी के यहूदी लोग जिन्होंने यीशु को अपनाया था उन्हें वो ये लिखता है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संदेश देता है वो इस वचन भाग में वापस जाता है और वो एक बात के लिए बहुत ही प्रभावित था उसने यहाँ पर दो बात कही एक तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की और दूसरी बात कि इस प्रतिज्ञा में शपथ है कि इस प्रतिज्ञा को साबित करें अब वो उस प्रतिज्ञा के बारे में उतना उत्साहित नहीं है प्रतिज्ञा तो वहाँ पर है वो इसे जानता था लेकिन वो तो शपथ के बारे में प्रभावित है परमेश्वर ने क्यों शपथ खाकर कहा वहाँ अब्राहम से परमेश्वर ने इसे इस तरह क्यों रखा तो वो इसमें बताता है क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाकर कहा उसे शपथ क्यों लेनी पड़ी अगर किसी को शपथ नहीं लेनी है तो परमेश्वर को नहीं लेनी है क्योंकि वो झूठा नहीं वो कभी झूठ नहीं बोलता है सत्य बोलता है साथ ही यहां तक कि पृथ्वी पर जबकि जो लोग हैं अच्छे लोग जो कहते हैं कि वो कुछ करेंगे लेकिन कई बार वो उसे नहीं कर पाते जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे ठीक है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है लेकिन परमेश्वर देखे परमेश्वर तो झूठे नहीं हैं। वो सर्वशक्तिमान है और इसीलिए कोई कारण ही नहीं था कि परमेश्वर यहां पर शपथ ले ये तो जरूरी नहीं था वो झूठे नहीं है वो अपना मन कभी नहीं बदलेंगे और वो तो सर्वशक्तिमान है तो एक दिन वो खड़े होकर ये नहीं कहेंगे माफ करना मैं नहीं कर पाया वो कर सकते हैं तो उसे शपथ लेने की जरूरत नहीं है जब उसने कहा ये ऐसे है मानो हजार बार कह दिया संसार में लोग कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं वो कहते तो हैं हाँ कौन जाने वो इसे करेंगे या नहीं लेकिन परमेश्वर एक बार कहे तो आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो इसे कर सकते हैं वो निश्चय ही इसे कर सकते हैं हमारे परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर हैं उसे शपथ लेने की जरूरत नहीं तो उसने शपथ क्यों ली एक बहुत ही दिलचस्प कारण लेकर ये लेखक आता है और इब्रानियों में इस पूरी घटना का अर्थ बताता है यही तो सबसे दिलचस्प है उत्पत्ति में हमें बताया गया कि परमेश्वर ने खुद अपनी शपथ ली क्योंकि शपथ लेने के लिए उससे कोई बड़ा नहीं था तो ये व्यक्ति आकर इस पर पूरा संदेश बताता है इानियो छे में वचन रहा कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा तुरंत तो शपथ के बारे में यहां पर बताता है वो इसमें दिलचस्पी लेता है परमेश्वर ने केवल प्रतिज्ञा नहीं की अपने नाम की शपथ ली हाँ फिर कहता है मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की मनुष्य तो देखिए यहाँ पर शपथ लेने के बारे में बताता है जब मनुष्य शपथ लेते हैं कैसे शपथ लेते हैं और सामान्य रूप में कब होती है मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है सामान्य रूप में मनुष्य क्यों शपथ लेते हैं वो शपथ लेते हैं ताकि जो कह रहे हैं उसे साबित कर सके कहिए कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं आपके लिए ये करूंगा ठीक है वो किसी और की शपथ लेते हैं उनसे किसी बड़े की शपथ लेते हैं अब ये परमेश्वर के लिए समस्या थी क्योंकि इसे ढूंढना था कि कोई ऐसा जो कि उससे बड़ा हो ये तो बहुत ही मुश्किल बात है वो सूरज चांद और तारों की शपथ ले सकता था लेकिन वो उससे बड़े नहीं है वो तो पहाड़ों और समुन्द्र की शपथ ले सकता था और ये सब लेकिन वो तो परमेश्वर से बड़े नहीं है परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाए हैं तो परमेश्वर से बड़ा वो और कहा पा सकता है परमेश्वर से बड़ा उसे कुछ भी नहीं मिला और आप अपने से कम की शपथ नहीं ले सकते हैं लोगों को शपथ लेते देखा क्या वो शपथ लेंगे अपनी छोटी बिल्ली की मैं अपनी बिल्ली की शपथ खाता हूँ मेरे बिल्ली के जीवन की शपथ मैं अपने कुत्ते के जीवन की शपथ लेता हूं कोई इस तरह की शपथ को स्वीकार नहीं करेगा कौन परवाह करेगा इस बिल्ली की या फिर इस कुत्ते की मैं आशा करता हूं कि वो लोग जो जानवरों से प्रेम करते मुझसे कुछ ना कहें <laughs> मैं यहां किसी और विषय के बारे में कह रहा हूं जानवरों के बारे में नहीं इन दिनों में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है मैं जानवरों के लिए हूं परमेश्वर आशीष दे आपके कुत्तों को और बिल्लियों को <laughs> कोई भी अपने कुत्ते और बिल्लियों की कसम नहीं खाता है क्योंकि आप ऐसी शपथ लेते हैं यानी आप जो है उससे भी बहुत कम की शपथ लेते हैं जानते हैं तो लोग कैसे शपथ लेते हैं अपनी मां की शपथ लेते हैं क्या आपने देखा है कम से कम हमारे देश में मैं मां की कसम खाता हूं पूरे संसार में मैंने इसे देखा है जानते हैं मां ही क्यों क्योंकि आप अपनी माँ का बहुत आदर करते हैं और निश्चय ही बिना किसी विवाद के वो तो आपसे बड़ी हैं आप उनसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ बुरा हो तो अपनी माँ की शपथ लेकर आप इस तरह से कहते हैं कि जो वादा किया उसे नहीं कर सका तो मेरी माँ के साथ में कुछ बुरा हो यही आप कह रहे हैं और कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कोई भी जो सही दिमाग वाला है माँ के बारे में ऐसा नहीं कहेगा अपनी माँ को खोना नहीं चाहेगा कि आपकी माँ मर जाए ऐसा कुछ हो कोई ऐसा नहीं कहेगा तो वो उसकी शपथ लेते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है देखिए इस तरह लोग शपथ लेते हैं लेकिन परमेश्वर को समस्या थी वो उससे बढ़कर कोई और नहीं पा सका इसलिए ये इब्रानियों का लेखक कहता है इसलिए उसने अपनी ही शपथ ली उसने खुद अपने नाम की शपथ क्यों ली उसने खुद की शपथ ली लेकिन क्यों उसने कहा लोग शपथ लेते हैं क्यों क्योंकि तो सारे विवाद का अंत है जब शपथ लेते हैं कहीं आपको किसी व्यक्ति के बारे में संदेह है कि उसने जो कहा वो करेगा या नहीं तो आप उस पर चर्चा करते और आखिरकार वो शपथ लेता है शपथ लेने के बाद उस पर चर्चा नहीं करते हैं और यही तो सारे विवाद का अंत होता है यही कहता है लोग क्यों शपथ लेते हैं क्योंकि यही सारे विवाद का अंत होता है सारे संदेह और सवालों का कि क्या वो व्यक्ति इसे करेगा या नहीं इसलिए लोग शपथ लेते हैं परमेश्वर ने क्यों शपथ ली और बहुत ही दिलचस्प कारण वो देता है इसे देखिए परमेश्वर ने क्यों शपथ ली परमेश्वर ने क्यों शपथ ली वो वचन सत्रह में कहता है सोलह और सत्रह मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं उनके लिए हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है मनुष्य के लिए यह सारे विवाद का अंत है जब शपथ ली जाती है तो यह सारे विवाद का अंत है जब परमेश्वर ने अगला वचन है प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता तो शपथ को बीच में लाया और यह तो बहुत ही आकर्षक वचन है जहां तक कि मेरी बात है ये हमारे लिए बहुत तसल्ली लाता है ये मुझे बहुत तसल्ली देता है मुझे बहुत बल देता है जानते हैं क्यों ये कहता है यह वचन कहता है परमेश्वर ने क्यों शपथ ली उसने शपथ इसलिए नहीं ली कि सारे विवादों को खत्म कर दें उसने शपथ ली देखिए अब्राहम का कोई विवाद नहीं था अब्राहम ने साबित किया था प्रभु पर पूरा विश्वास करता है परमेश्वर ने जो कहा उस पर उसने बहस नहीं की परमेश्वर पर विश्वास किया परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उससे बेटा हुआ परमेश्वर ने उसे बेटा दिया वो विश्वास से चलता है परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया और इस समय तक उसे पूरी शाश्वती थी उसे समस्या नहीं थी और इसलिए अपने बेटे के बलिदान के लिए निकला उसे मारने को तैयार था बलिदान के रूप में तो अब्राहम वो परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करता है और परमेश्वर ने विवाद खत्म नहीं करना चाह सामान्य रूप में मनुष्य ऐसे इस उद्देश्य से करते हैं तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने ठान लिया कि बहुतायत से ये दिखाएं प्रतिज्ञा के वारिसों को कि उसकी बात तो अटल है और उसने शपथ खाकर इसे साबित किया परमेश्वर ने शपथ क्यों ली क्योंकि वो तो और ज्यादा आय से दिखाना चाहते थे प्रतिज्ञा के वारिसों को ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प अनुवाद है परमेश्वर ने क्यों शपथ ली ताकि वो मनुष्यों को ये दिखा सके जो कि आगे जाकर वारिस होने वाले हैं अब्राहम की प्रतिज्ञा के और अब्राहम की आशीषों के हेलो हम यहाँ पर चित्र में आते हैं हमारे लिए परमेश्वर ने शपथ ली परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ ली इसलिए नहीं कि अब्राहम वाद-विवाद और सवाल कर रहा था परमेश्वर के दावे पर उसकी प्रतिज्ञाओं पर उसने फिर भी शपथ ली क्यों ली क्योंकि वो इस बात को मन में रख रहे थे कि कल जब हम ये सुनेंगे कि उसने अब्राहम के साथ क्या किया और हमारे पास में बहुत आयत के सबूत होंगे और निश्चय ये तो बहुत आयत से हमें दिखाया जाएगा शपथ के द्वारा कि परमेश्वर निश्चय उसने जो हमसे कहा है उसे पूरा करेंगे उसने केवल अब्राहम के साथ ही नहीं किया पर हमारे साथ भी करेगा उसने जो कहा पूरा करेगा मुझे परमेश्वर पसंद है प्रचार करना पसंद है इस परमेश्वर के बारे में दोस्तों आप पहले परमेश्वर की अच्छी तस्वीर ले लीजिए मेरे जीवन में एक बात हुई जिसकी मैं सराहना करता हूं कुछ लोग परमेश्वर से ऐसे व्यवहार करते हैं परमेश्वर मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाकर इसे करूंगा वो सोचते हैं कि परमेश्वर क्रूर व्यक्ति है बैठकर एक के बाद एक आज्ञा देते जाते हैं इसे करो नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे ठीक है ऐसे करो ये लिस्ट है। तो लोगों में मनोदशा होती है है ठीक बता दे प्रभु उसके आज्ञा में जो भी है मैं उसे करूंगा जानते हैं इस तरह का रवैया कि परमेश्वर केवल इसी में दिलचस्पी लेते हैं कि वो अपनी आज्ञाएं देते जाए और देखते हैं कि हम उसे पूरा करते हैं कि नहीं ताकि हमें स्वर्ग या नर्क में भेज सके मैं एक अलग परमेश्वर को देखता हूं वैसे परमेश्वर है जो मेरी परवाह करते हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं वो चाहते हैं कि मेरे पास बहतायत की शाश्वती हो और निश्चितता हो और भरोसा हो कि जो उसने कहा है वो करेंगे वो जानते हैं कि वो बड़ी और महान बातों की प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मैं विश्वास करते जाऊं वो दिलचस्पी लेते हैं कि विश्वास करने में, में मेरी मदद हो कि मैं विश्वास करने के लिए उससे कुछ मदद पाऊं वो विश्वास करने में, में, में मेरी मदद करे वो चाहते हैं कि मैं विश्वास करूं वो चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं और इसलिए वो बहुतायत के सबूत देते हैं वो तो वो सब कुछ करना चाहते हैं जो उसकी ओर से होना चाहिए किस बात को स्पष्ट कर दे कि उसने जो कहा है उसे वो पूरा करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं महान हैं और ये तो इतनी अद्भुत है परमेश्वर ने निश्चय कर लिया कि वो बहुतायत से दिखाते जाएंगे प्रतिज्ञा के वारिसों को प्रतिज्ञा के वारिसों को आप कहेंगे खैर वो अब्राहम से बात कर रहे हैं ब्रदर निश्चय ही अब्राहम की प्रतिज्ञा के जो वारिस हैं वो तो यहूदी हैं अब्राहम की संतान जो कि अब्राहम के वंशज है जो कि यहूदी लोग हैं इसराइली लोग और यहीं पर आपको बाइबल में वापस जाना है उत्पत्ति अध्याय सत्रह वचन चार में परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि तू तो बहुत सी जातियों का पिता होगा तो परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ शुरू किया अब्राहम के बिल्कुल शुरुआती स्तर में ही उसने उस पर घोषित किया कि वो तो केवल यहूदी वंश का पिता ही नहीं होगा केवल इसराइली लोगों का ही नहीं लेकिन वो बहुत सी जातियों का पिता होगा सुनिए यहां पर यह दर्शाया गया कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो जाएगा ये तो एक बात है दूसरी बात इब्रानी अध्याय तीन वचन उन्नीस में हम पढ़ते हैं कि जो लोग मिस्र में से बाहर आए मिस्र के बंधन से प्रतिज्ञा के देश की ओर निकल पड़े केवल उनमें से दो ही लोग पहुंच पाए बाकी सब जंगल में नाश हुए क्यों हालांकि अब्राहम का वंश था अब्राहम की संतान थी लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए जो प्रतिज्ञा किया था उन्हें नहीं मिला क्यों उन्हें तो वही वचन दिए गए थे उन्हें तो वही प्रतिज्ञाएं दी गई थी परमेश्वर ने जो भी कहा है उसके लिए वो तैयार है वो इच्छा रखते हैं वो कर सकते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पर वो नहीं जा पाए वो सब जंगल में ही नाश हो गए क्यों इब्रानी अध्याय तीन वचन उन्नीस में कहता है अविश्वास के कारण तो इसका मतलब यह है कि चाहे आप अब्राहम के शारीरिक वंशज ही क्यों ना हो यह आपको गारंटी नहीं देता है कि ये सारी प्रतिज्ञाएं आपकी हो जाएंगी क्योंकि आप अब्राहम के वंश हैं सुनिए परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वो बहुत सी जातियों का पिता होगा केवल एक देश का नहीं लेकिन बहुत सी जातियों का मतलब अलग अलग तरह के लोगों का दूसरी बात कि अब्राहम के वंश में से हर एक व्यक्ति जो अब्राहम का वंशज है उसको गारंटी नहीं है कि आशीष मिलेगी केवल इसलिए क्योंकि वो अब्राहम के वंशज हैं तीसरी बात तीसरी बात हम पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं यहां हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति अध्याय बाईस वचन सोलह में जब परमेश्वर ने आशीष की प्रतिज्ञा की जब कहा मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और मैं तुझे बहुत ही बहुगुणित कर दूंगा ये इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये नहीं कि वो यहूदी वंश का था या वो अब्राहम था पर इसलिए उसने विश्वास परमेश्वर को प्रति दिया विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने उसे आशीष दी विश्वास ही कारण है परमेश्वर ने दो बार कहा क्योंकि तुमने ऐसे किया है तुमने मेरी आज्ञा मानी है मैं तुम्हारे लिए करूँगा तुम्हें आशीष दूंगा तो विश्वास के कारण इस कारण नहीं कि यहूदी वंश का था या ऐसा कुछ नहीं विश्वास के कारण और इसलिए चौथी बात हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हालांकि हम भारतीय हैं हैं, लगभग सभी और हालांकि हम तो अलग ही वंश के हैं हमें ये सौभाग्य मिला कि अब्राहम के बेटे और बेटियां बन जाएं क्योंकि हम अब्राहम के जैसे ही विश्वास रखते हैं हम तो अब्राहम के वंश बन गए हैं विश्वास के द्वारा अगर अब्राहम को उसके विश्वास के कारण आशीष दी गई तो वही विश्वास जो मुझ में है और आप में है वो आपको वही आशीष देगा आप और मैं अब्राहम की आशीष प्राप्त कर सकते हैं अब बात तो यही है अब बात तो यही है वचन सत्रह कहता है कि लोग, लोग इस तरह से शपथ खाते हैं ताकि सारे विवाद को दूर करें तो परमेश्वर ने ठहरा लिया कि बहुतायत से वो दिखाएं प्रतिज्ञा के वारिसों पर अब जो प्रतिज्ञा के वारिस हैं वो तो शारीरिक वंशज नहीं हैं ये प्रतिज्ञा के वारिस तो हम हैं प्रतिज्ञा के वारिस तो पहली सदी के विश्वासी हैं जिन्हें इब्रानियों की पत्री लिखी गई है लेखक ये कहता है कि तुम प्रतिज्ञा के वारिस हो इसलिए नहीं कि तुम अब्राहम के वंशज हो अब आप अब्राहम के जैसे ही विश्वास रखते हैं तो विश्वास से ही आप अब्राहम के वंशज हो जाते हैं उसे प्राप्त करने वाले होते हैं या वारिस सही शब्द होगा उस प्रतिज्ञा के आप वारिस होते हैं क्योंकि आपने विश्वास किया अब्राहम के जैसे विश्वास और हम भी उसके वारिस हो गए हैं हम दो साल बाद जी रहे हैं और हम भी वारिस हो गए हैं तो संदेश तो पहली सदी के विश्वासियों के लिए था और फिर उसके बाद में पिछली पूरी बीस सदियों से हर एक विश्वासी के लिए है जिसने यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में यह प्रतिज्ञा उनसे है परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं हर एक विश्वासी में हर एक मसीह विश्वासी में और प्राप्त करना बहुतायत का बड़ी निश्चितता और सामर्थ्य जो उसने किया उससे और इसलिए अब्राहम को तो शपथ की जरूरत नहीं थी अब्राहम परमेश्वर से वाद विवाद नहीं कर रहा था सवाल नहीं पूछ रहा था उसकी प्रतिज्ञाओं के बारे में लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी और साबित करने के लिए शपथ खाई ये शपथ उसके लिए नहीं थी ये शपथ हमारे लिए है वो अपने मन में हमारे बारे में सोच रहे थे प्रतिज्ञा के वारिस उसके मन में थे आप और मैं उसके मन में थे इतनी सारी सदियों के विश्वासी उसके मन में थे और हमें बड़ी तसल्ली देने के लिए उसने ये शपथ दी मैं इस तरह इसका अर्थ नहीं लगा रहा हूं इब्रानियों का लेखक इस तरह अर्थ बताता है मैं केवल प्रचार कर रहा हूं उसने जो कहा है उसका प्रचार इस बारे में नहीं कि हम अपने विचार बताएं, लेकिन उसने जो बताया वो बताते जाए ठीक है मैं केवल वही बता रहा हूं जो उसने कहा है चलिए पढ़ते इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता है ये तो परमेश्वर की कभी न बदलने वाली इच्छा है यही परमेश्वर का उद्देश्य जो बदल नहीं सकता परमेश्वर प्रतिज्ञा के वारिसों को और दिखाना चाहते थे कि उसकी इच्छा योजना और उसके उद्देश्य कभी बदलने वाले नहीं हैं शपथ के द्वारा उसने साबित किया जानते हैं आशीष तो परमेश्वर के कभी न बदलने वाले उद्देश्य का भाग है परमेश्वर कभी गड़बड़ी में नहीं रहते हैं कि आपको आशीष दे या श्राप दे <laughs> परमेश्वर का उद्देश्य कभी नहीं बदलता है आशीष आशीष देते हुए तुम्हें आशीष दूंगा बहुगुणित करते हुए मैं तुझे बहुगुणित करूंगा और तेरे वंशज तो शत्रुओं पर अधिकार करेंगे ये परमेश्वर की योजना और उद्देश्य है प्रतिज्ञा के हर एक वारिस के लिए ऐसी आशीष तो हर एक विश्वासी की है परमेश्वर ने आपके लिए केवल यही योजना और उद्देश्य रखे हैं आशीष तो भाग है इस अद्भुत परमेश्वर के कभी न बदलने वाले उद्देश्य का भाग है कभी न बदलने वाला मतलब अटल परमेश्वर के उद्देश्य कभी बदलते नहीं है वो गड़बड़ी में नहीं है आशीष 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 यही योजना है और कोई योजना नहीं एक भाई ने कहा शायद आशीष होगी कई बार नहीं केवल आशीष यही उसकी योजना है आशीष उसकी योजना है मैं सहमत हूं वो चाहते हैं मैं उस पर विश्वास करूं वो जानते हैं मेरे पास में इसके बारे में सवाल होंगे इसलिए उसने पहले शपथ दे दी है जब उसने अब्राहम से कहा जिसे शपथ की जरूरत नहीं थी उसने साबित कर दिया अपने विश्वास को फिर भी उसने उसे शपथ दी ताकि उस शपथ के कारण मैं विश्वास कर सकूं, और सारे विवाद का अंत कर दूं, कि मैं विश्वास करूंगा प्रभु के वचन पर खड़े रहूंगा कि परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा करेंगे आमेन मैं तुझे आशीष दूंगा इस आशीष का मतलब क्या है आशीष का मतलब है तुझे स्वीकार करूंगा क्षमा करूंगा शुद्ध करूंगा तुम्हारी अगुवाई करूंगा मार्गदर्शन करूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा आत्मा प्राण और शरीर में हर आशीष से भर दूंगा तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा तुम्हारे पूरे जीवन भर और फिर एक दिन जब तुम मर जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जैसे तुम इस जीवन से उस जीवन में आ जाओगे मैं अनंत काल में तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी परवाह करूंगा हमेशा हमेशा के लिए यही तो आशीष है आशीष तो ऐसी है जो समझ से परे है ऐसी आशीष है जो समझ से परे है हम जब मसीह पर विश्वास करते उस समय से पूरे अनंत काल तक ये सारी बातों से परे हमारी आत्मा प्राण और शरीर से ये तो पूरी होती है हमारे भौतिक जीवन में हमारे आत्मिक जीवन में हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र से परमेश्वर इस काम में नहीं है कि विभाजित करे भौतिक जीवन को नहीं नहीं सब कुछ जीवन है सब कुछ मेरा भाग है परमेश्वर ने कहा हर तरीके से मैं तुम्हें आशीष दूंगा परमेश्वर यही तो कहते हैं तो इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों का पत्री का लेखक वो तो उत्साहित है इस शपथ के लेने के बारे में उसने अपनी ही शपथ ली अब अपनी ही शपथ लेने का मतलब अपनी माँ की शपथ लेने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे नहीं कर पाऊं तो मेरी माँ के साथ कुछ बुरा होगा इसलिए हम शपथ नहीं लेते हम बहुत सावधान रहते अगर मां की कसम खाते हैं तो निश्चय हम उसे पूरा करते हैं ठीक है अब उसने शपथ खाई यानी परमेश्वर ने अपनी ही शपथ ली इसका इसका अर्थ अर्थ है इसकार्थ है परमेश्वर कुछ ऐसा कह रहे थे यानी अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो परमेश्वर शर्मिंदा होगा और परमेश्वर श्रापित होंगे अगर आशीष नहीं देंगे और इस प्रतिज्ञा को असली नहीं बनाएंगे और परमेश्वर परमेश्वर नहीं रहेंगे अगर आशीष न दे तो अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो परमेश्वर दोषी ठहरे अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो परमेश्वर झूठा ठहरेगा परमेश्वर कह रहे हैं अगर मैं तुम्हें आशीष न दूं तो मैं परमेश्वर नहीं रहूंगा और फिर उसके बाद मैं पवित्र परमेश्वर नहीं कहला सकूंगा झूठा तो हो जाऊंगा फिर मैं परमेश्वर नहीं रह सकूंगा आशीषित व्यक्ति होने के बजाय मैं तो श्रापित व्यक्ति हो जाऊंगा अगर मैं आशीष न दूं, अपनी ही शपथ खाकर कहने का मतलब यही है